फाइनली स्टेशन पे आ गए हैं और आपको पीछे दिख रहा है गाजीपुर का स्टेशन। तो भाई तुम सीट में अंदर आ गए हैं और अब तो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग, सबका वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग में। आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का ब्लॉग है गाजीपुर से नई दिल्ली, और ये सोहलदेव एक्सप्रेस की जर्नी में आपको दिखाऊंगा कि कोच कैसा है, उसका पोजीशन कैसा है, ट्रेन की कैसी है सब सफाई, और मैं बताऊंगा आपको इसका कहाँ कहाँ स्टॉपेज है। और आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और दोपहर के 12 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन है 3 बजे, और आप ब्लॉग में बने रहिए, आइए आपको साथ दिखाते हैं। जा रहा है अखिलेश जो स्टेशन पर मुझको छोड़ेगा। तो कैसे आप लोग, तो हम लोग जा रहे हैं गाजीपुर आशीष भैया को छोड़ने। आज उनकी ट्रेन है गाजीपुर से नई दिल्ली एक्सप्रेस, आज चले जाएंगे दिल्ली है। और ये मुझे स्टेशन तक छोड़ने जाएगा और मैं आपको आगे दिखाता हूँ, और स्टेशन से फिर वापस आ जाएगा। आइए चलते हैं हमारे साथ। फाइनली घर से निकल चुके हैं और 2 किलोमीटर दूर आ गए हैं, और हमारे साथ दिल्ली अमृत जा रहा है। बोलो अमृत, हाय। और अखिलेश भी जा रहा है पीछे बैठा, देखिए बाइक पे ये बैग लिए हुए हैं। और हम लोग निकल चुके हैं गाजीपुर के लिए, हमारे साथ अखिलेश है और अमृत भी है बीच में बैठा। चलते हैं और मिलते हैं गाजीपुर स्टेशन से आपसे, और ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिए। देखिए पीछे अमृत कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, आपको दिख रहा होगा इधर, देखिए अमृत कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। और ये गाजीपुर का सिटी रेलवे स्टेशन है, आपको पीछे दिख रहा है। आइए चलते हैं अपने अंदर, अब 20 मिनट बाकी है ट्रेन के चलने में, और आपको दिखाते हैं आगे का सीन। अब चलते हैं अपना सीट में बैठते हैं। दोस्तों अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा ये कोच, और 47 नंबर सीट नंबर है हमारा। और सामान रख दिए और बैठते हैं अपने कोच पे। हमारा सीट दिखा दो, यही सीट है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सैंडल खोल लो। अंदर आ गए हैं और अब अखिलेश को छोड़ देते हैं, अखिलेश घर पे जाएगा, और चलते हैं और आगे आपसे मिलते हैं। तो दोस्त ये अमृत बैठा हुआ है अपना सीट पे, और बोल दो अमृत। हेलो दोस्त, अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली। बोल दो, सबको हाय कर दो। हाय। दोस्त ये अमृत अपना सीट पे बैठा है, देखिए कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और एंजॉय कर रहा है, और अखिलेश चला गया और हम लोग अपने सीट पे बैठे हुए हैं। और 15 मिनट टाइम है हमारी ट्रेन को निकलने में, और आगे आपको दिखाते रहेंगे।
तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से निकल गई है और करेक्ट 3:00 पर हमारी ट्रेन यहाँ से रवाना हो चुकी है और अगला स्टॉप इसका ओडिहार जंक्शन, और आपको अगले स्टॉप पर मैं दिखाता हूँ ओडिहार जंक्शन के लिए। और देखिए गाजीपुर स्टेशन से 1 नंबर प्लेटफार्म से गाड़ी निकल रही है हमारी, और आइए चलते हैं हमारे साथ। तो गाइस इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट ओडिहार जंक्शन, तो ये ट्रेन पहुंच गई है और यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, और अब 2 मिनट के बाद यहाँ से अगला स्टेशन है इसका जो स्टाफ है डोभी है। और फाइनल हम लोग अभी ओडिहार जंक्शन पहुंच गए हैं और यहाँ का सबसे फेमस पकौड़ी है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लोग खाते हैं जो भी लोग यहाँ से जाते हैं और पकौड़ी यहाँ का टेस्ट करते हैं। आप भी जब आइए यहाँ पर पकौड़ी ज़रूर टेस्ट कीजिए। आइए दिखाते हैं आपको पकौड़ी की दुकान यहाँ पे और कैसे बनता है, कितना का मिलता है, आपको दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए आप लोग। दीजिएगा 20 पैक दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग डोभी पहुंच गए हैं, इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट है डोभी स्टेशन, और यहाँ पे ट्रेन हमारी 2 मिनट रुकेगी, 2 मिनट के बाद यहाँ से हमारी ट्रेन रवाना हो जाएगी। और डोभी स्टेशन है जो हमारी ट्रेन का 3rd स्टॉप है, और देखिए लोग खड़े हैं, 2 मिनट में सारे लोग चढ़ जाएंगे फिर ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाएगी अगले स्टेशन के लिए। आइए चलते हैं हमारे साथ। तो दोस्तों इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट जौनपुर जंक्शन हम लोग पहुँच चुके हैं, और इस ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है और लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन अभी स्टेशन प्लेटफार्म से पीछे लगी है, लोग दौड़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और 5 मिनट का ट्रेन हॉल्ट है यहाँ पे। और इसके बाद अगला स्टॉप पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद जंगई जंक्शन स्टॉप है इसका अगला। आइए चलते हैं। दोस्तों तो हम लोग आ गए हैं जंगई जंक्शन, और इस ट्रेन का भी यहाँ पर हॉल्ट 5 मिनट का है, और यहाँ 5 मिनट ट्रेन रुकेगी जंगई जंक्शन। यहाँ से आप वाराणसी के लिए यहाँ से आप जा सकते हैं, ट्रेन चेंज कर सकते हैं, और आइए हम चलते हैं। Tell you what I saw. When you break it up, you'll see who had it all.
तो दोस्तों हम लोग इलाहाबाद आ गए हैं और इलाहाबाद जंक्शन यहाँ पर ट्रेन का हमारे 5 मिनट का हाल्ट है। चलते हैं, हम थोड़ा चाय लेते हैं, चाय पीने का मन कर रहा है। देखिए लोग बाहर खड़े हैं, ट्रेन 20 मिनट पहले आ गए, ये लोग सारे लोग निकल के प्लेटफार्म पर घूम रहे हैं। और चलते हैं, हम चाय लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखिए चाय मुझे 15 का पड़ा है इंडियन रेलवे का, और ठीक ठाक है, एवरेज है, उतना अच्छा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों तो इस ट्रेन का लास्ट हॉल्ट गाजियाबाद जंक्शन हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पे इसका 2 मिनट का स्टॉप है और इसके बाद हमारा लास्ट आनंद विहार पड़ेगा, वहाँ पे एंड हो जाएगा। और जब अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको लगातार हमारे ब्लॉग में मिलता रहेगा। और ये है गाजियाबाद जंक्शन, यहाँ पर हमारे ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। तो दोस्तों हम फाइनली आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और हम लोग उतर गए हैं और अब जा रहे हैं हम बाहर की ओर। और देखिए हम लोग नीचे चल रहे हैं हमारे साथ, और चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का सीन। दोस्तों ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन आपको दिख रहा है, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और लोग अब ट्रेन से निकलने के बाद बाहर जा रहे हैं टैक्सी में। और आप ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं इस वीडियो का यहीं पर एडिट करके डाल देता हूँ। थैंक्स देखने के लिए।